Very good morning, all of you, my friends. Welcome to English Academy, friends. Uh, today we are talking about uh, you know chapters, syntax, and especially we discuss today part four, friends. If you our part one, part two, or part three video, especially based on syntax, if you not so please don't worry about that. I will share all my part one, part two, and part three link in description box. So please. गो एंड विजिट फर्स्ट फ्रेंड्स आइए समय को ख्याल रखते हुए आज हम सीखेंगे कुछ रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स विच आर बिलोंग्स टू आवर सिंटेक्स तो दोस्तों आज का जो रूल एट है इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों जैसे कि पेयर वर्ड्स पर आप ध्यान दीजिएगा कुछ जैसे पेयर वर्ड्स हैं जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा ब्रेड एंड बटर राइस एंड करी हैमर एंड सिकल स्लो एंड स्टीडी ट्रथ एंड ऑनेस्टी हॉर्स एंड कैरेज क्राउन एंड ग्लोरी राइज एंड फॉल कम इन एंड गोइंग एज एंड एक्सपीरियंस एग्स एंड बेकन बैग एंड बैगेजेस एटीसी दोस्तों में दोबारा रिपीट करूंगा कुछ ऐसे इंग्लिश के पेयरवर्ड्स जैसे ब्रेड एंड बटर्स राइट एंड करी हैबर एंड सिकल्स स्लो एंड स्टीडी टथ एंड ऑनस्टी हॉर्स एंड कैरेज क्राउन एंड ग्लोरी राइस एंड राइज एंड फॉल कम इन गोइंग एज एंड एक्सपीरियंस एक्स एंड बैकन्स बैग एंड बैगेजेस यानी कुछ ऐसे इंग्लिश के पेयर वर्ड्स दोस्तों ध्यान दीजिएगा जब जब दोस्तों जब ये सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं यानी कर्ता के रूप में आते हैं तो दोस्तों ध्यान देने वाली ये बात है इसके साथ जो है इस वाक्य में हमेशा सिंगुलर भर्भ का प्रयोग किया जाता है यानी किसी भी अंग्रेजी के सेंटेंस में जब पेयर वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं तो दोस्तों उनके साथ जो भर्प का प्रयोग होता है हमेशा दोस्तों सिंगुलर भर्भ का प्रयोग होता है आइए कुछ आगे बढ़ते हैं क्रम में इससे ध्यान देते हैं दोस्तों मैंने कुछ नोट्स में एक छोटा सा बिंदु में जिक्र किया है उसे आप पहले अवश्य समझें लिखा है दोस्तों कि इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होते हैं दोस्तों इन सभी शब्दों से एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है याद रखिएगा जब आप पेयर वर्ड्स में बात करते हैं जैसे ब्रेड एंड बॉटर्स राइस एंड करित इन सभी से जो है दोस्तों मैं बता दूं ये सभी शब्दों से एक ही वस्तु का जो है भाव होता है आइए मैंने बोला कि इन सभी के साथ भर्व का जो यू नो यूजेज है वो सिंगुलर भर्व है जैसे एग्जाम्पल दोस्तों ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट तो दोस्तों देखिए ब्रेड एंड बटर है एज अ सब्जेक्ट प्रयोग हुआ इस सेंटेंस में और इसके साथ भर्व क्या मैंने लगा दोस्तों इज जो कि क्या है सिंगुलर भर्व है यानी जो ब्रेड और बटर है हमारा क्या मन पसंदीदा दोस्तों नाश्ता है ठीक दोस्तो, है दोस्तों सेकेंड जो एग्जाम्पल इसे समझिएगा राइस एंड करी देखिए एज अ सब्जेक्ट ये काम कर रहे हैं इस इंग्लिश सेंटेंस में यहां फिर मैं अगेन इज का वर्ब प्रयोग किया है जो कि सिंगुलर भर्ब है राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश ठीक है यानी जो राइस और करी है काफी पॉपुलर लोकप्रिय डिश है दोस्तों थर्ड जो एग्जांपल है इसे आप समझिए थर्ड एग्जाम्पल दोस्तों बैग एंड बैगेजेस ध्यान दीजिएगा बैग एंड बैगेजेस आर परफेक्ट दोस्तों तो यहां पे देखिए पुलल भर्भ का प्रयोग किया है इस हिसाब से सेंटेंस का हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है तो हमेशा एक बार रिपीट कर दू हमेशा पेयर वर्ड्स जब भी किसी इंग्लिश सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर भर्भ का प्रयोग करना चाहिए आइए दोस्तों इसमें कुछ एक नोट से इंपोर्टेंट वो समझ लीजिए दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि आप वो से ध्यान दीजिएगा कि यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल ना ध्यान दीजिएगा कि वो क्या हो वो ऐसी नाउन हो जो क्या हो दोस्तों पहले तो बात ये सिंगुलर हो और साथ में क्या हो अनकाउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन जानते हैं आप वैसे नाउन दोस्तों जिसे हम गिन नहीं सकते हैं यानी अनाउन दैट कैन नॉट बी काउंट ठीक है ऐसे संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं फिर रिपीट करते हैं यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों एंड से जुड़ करके सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं या सब्जेक्ट रूप में प्रयोग होते हैं आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरे भाई तथा इससे क्लास का बोध क्लास माने दोस्तों एक ही यूनिट का बात हो तो इसके साथ हमेशा दोस्तों क्या होता है पुलरल भर्व का प्रयोग किया जाता है इसके साथ क्या किया जाता है पुलरल भर्व का प्रयोग किया जाता है आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं और फिर इसे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों एक बार मैं रिपीट कर दूं मैंने बोला कि अगर कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में एज अ यू नो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जो है एंड से स्पेशली जुड़ा हो और साथ में यह सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो और साथ में दोस्तों मैंने बताया तथा इसे एक ही क्लास के बात करता हो तो इसके साथ हमेशा सा, दोस्तों पुलर भाव का प्रयोग किया जाता है एग्जाम्पल तो समझते हैं दोस्तों एग्जाम्पल है इसका पहले समझिए जैसे यहां ध्यान दीजिएगा टाइम एंड टाइड ठीक है समय जो होता है वेट फॉर नो मैन यानी समय एक बार जब बीत जाता है किसी को दोस्त जानते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता है तो यहाँ पे जो टाइम एंड टाइट का एक क्लास यूनिट जो है बोध किया गया है इसके साथ हमेशा देखिए मैंने पुलर भर्व तो वेट क्या है दोस्तों पुलर भर्व का प्रयोग किया गया है आगे दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस चीज को समझिएगा यहाँ पे फायर एंड वाटर देखिए दोस्तों फायर एंड वाटर तो बात किया गया है ये सिंगुलर भी है और अनकाउंटेबल भी है फायर एंड वाटर इसके साथ दोस्तों मैंने क्या लगाया डू नॉट का प्रयोग हुआ है और भर्व जो है एग्री देखिए यहां पे पुलर भर्व का प्रयोग किया गया यानी अब देखिए एक ही क्लास का बात हो रहा है और साथ में ये जो शर्त लागू मैंने किया था सिंगुलर अनकाउंटेबल लाउन तो देखिए एंड से भी जुड़ा है और ये सिंगुलर काउंटेबल एंड से भी जुड़ा है यहां पे ये भी एंड से जुड़ा हुआ था और क्या है सिंगुलर है और अनकाउंटेबल लाउन है लेकिन फिर भी इसके साथ मैंने पुलर भर्व का प्रयोग किया क्यों क्योंकि ये एक क्लास का बोध कर रहा है ठीक है यानी आग और जो जल है दोस्तों इसके साथ मतलब सहमत नहीं थे आई आगे समझते हैं इस चीज को दोस्तों है नेक्स्ट एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर है और से भी जुड़े हैं लेकिन इसके साथ दोस्तों सिंगुलर भर्व का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है इसके साथ हमेशा पुलर भर्व का प्रयोग किया जाता है आए दोस्तों एक नोट इंपोर्टेंट नोट इससे आप वहां से जाने समझे नोट्स में कहता है दोस्तों कि आप थोड़ा सा समझिएगा एग्जाम्पल जो टाइम और टाइट का मैंने लिया है दोस्तों ये आजकल के बोलचाल भाषा में जब हम आजकल के बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं तो दोस्तों इसके साथ हमेशा सा लोग का प्रयोग कर देते हैं लेकिन दोस्तों अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर ठीक है ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को क्या किया जाता है सही माना जाता है ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग दोस्तों इस सेंटेंस को सही माना गया है और इसके साथ हमेशा सा याद रखिएगा पुलल भर्व का ही प्रयोग किया जाता है ये आम बोलचाल भाषा में टाइम एंड टाइट के, के साथ सिंगुलर भर प्रयोग करते हैं लेकिन परंतु ओल्ड अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इसके साथ हमेशा पुलर भर का ही हमेशा प्रयोग करते रहिएगा आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसको चीज को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों दिया यहां पे नोट में यहां ध्यान दीजिएगा नोट में दिया है दोस्तों पेयर वर्ड्स ध्यान दीजिएगा पेयर वर्ड्स जो है पेयर वर्ड्स जो फैमिली रिलेशन का बात करते हो पेयर वर्ड्स जो दोस्तों फैमिली एक्सप्रेशन के बात करते हैं और वो एंड से जुड़ते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये सेंटेंस के यदि सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो इसके ठीक पहले क्या होना चाहिए प्रोसेस एडजेक्टिव हो लेकिन जो सबसे खास बात है दोस्तों जिस चैप्टर से ये जाना जाता है इसके साथ हमेशा दोस्तों पुलरल भर्ब का ही प्रयोग कीजिएगा यानी जब भी आपका जो ये पेयर वर्ड्स हैं खास करके आपकी फैमिली रिलेशन एक्सप्रेशन वर्ड्स के बारे में बात करते हैं और स्पेशली एंड से जुड़ते हैं और इसके ठीक पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो दोस्तों याद रखिएगा इसके रखेगा इसका साहब पुलुरल भर्व ही प्रयोग किया जाता है क्या पुलरल भर्व ही प्रयोग किया जाता है आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसे समझते हैं जैसे दोस्तों माय मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी ठीक है यहां मेरे माता और मेरे पिता जो हैं हम पे काफी गर्व करते हैं ठीक है अगला यहां पे एग्जाम्पल है दोस्तों योर अंकल एंड आंट वॉन्ट टू सेटल इन दिल्ली ठीक है यानी आपके अंकल और जित आंटी हैं वो क्या दिल्ली में सेटल होना चाहती हैं ठीक है इस चीज को समझिएगा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा आपको यू नो बेहतर लगे कभी भी वर्ड्स का बात अगर फैमिली रिलेशन एक्सप्रेशन के साथ हो और एंड से जुड़ा हो और इसके ठीक पहले प्रोसेसिव एडजेक्टिव देखिए इसमें आप प्रोसेसिव एडजेक्टिव आप फाइंड आउट कर सकते हैं देखिए यहाँ पे माइक का प्रयोग है फिर आप देखिए यहाँ पे भी योर के साथ ये कनेक्ट हुए हैं तो अक्सर ये सभी जो चीजें हैं इसके साथ हमेशा पुलल भर का ही प्रयोग किया तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में हमने लखराजू इंग्लिश एकेडमी के माध्यम से पार्ट फोर के विषय में और सिंटेक्स के लिए चर्चा किया और रूल ये आठ था दोस्तों आई होप ये वीडियोज आपको अच्छा लगेगा प्लीज दोस्तों एक सबसे वेरी इंपोर्टेंट नोट्स मैं आपको बता दूं कि प्लीज नोट डाउन इन योर माइंड कि ये यदि आप हमारे वोकैबलरी चैनल्स और पीडीएफ फाइल से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल अखराजो इंग्लिश अकेडमी से, से जुड़े ताकि मैं ये जितने भी आज के वीडियो सेशन हुए मैं आपको वीडियोस में और साथ में दोस्तों नोट्स बनाकर के आपको वहां अपलोड करा सकूँ चलो दोस्तों आ, मैं उसका लिंक जितने भी मेरे क्लासेज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा आप जाइए अवश्य विजिट करिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज फ्रेंड्स एंड प्लीज़ इसी तरह आप वीडियोज को देखते रहिए अपना प्यार बनाते रहिए धन्यवाद दोस्तों थैंक यू